नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा पुलिस ने बम्बिया गैंग से संबंधित 6 आरोपियों को किया काबू। 3 पिस्तौल, 30 बोर, 1 देसी कट्टा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस और 2 कारे की बरामद। सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू। 1 किलो 15 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रहस्यमयी ढंग से एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले मामले को कुछ घंटों में सुलझाया। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी मोगा विवेकशील सोनी ने बताया कि इनमें 2 आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वे सभी आरोपी बम्बिया गैंग से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 4 आरोपी मोगा के ही रहने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 30 बोर, 1 देसी कट्टा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस और 2 कारें भी बरामद की हैं। ये लोग ये पिस्टल मध्य प्रदेश से लेकर आए थे और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे उपर एसपीडी साहब अते डीएसपीडी साहब दी अगवाई दे विच सीआईए मोगा वालों एक मेजर ऑपरेशन करते हुए 6 लोगों को हुण तक अरैसट किया गया, जिन्हां दे कोलों की 4 वैपन रिकवर होए ने, जिहदे विच कि 3 30 बोर दे वैपन हैगे ने ते अते एक 315 बोर दा देसी कट्टा है। इस तों इलावा कुछ गोलियां बरामद हुई ने ते 2 गड्डियां, एक फॉर्चूनर अते एक वरना कार बरामद हुई है। हुण तक की तफतीश में इन्हों के जोड़े 6 लोग फड़े गए हैं, जिन्हों चो एक की प्रोडक्शन वारंट के उपर जेल के लेके आया गया है। इन्हों की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा हैगी है। इन्होंने 2 लोग जो है उन्होंने क्रिमिनल हिस्ट्री पुरानी नहीं है, बाकी सब लोगों की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है। सुल्तानपुर लोधी में चुनाव आयोग के आदेश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एक बाइक सवार नशा तस्कर को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान काबू करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए एसपीडी सरबजीत राय ने बताया कि सुल्तानपुर लोधी के डीएसपी बबनदीप सिंह के नेतृत्व में सुल्तानपुर लोधी पुलिस टीम ने शमशान घाट की तरफ हाजी के नजदीक टी पॉइंट पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान बूसोवाल की तरफ से मोटरसाइकिल पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पुलिस की नाकाबंदी देखकर घबराकर पीछे की तरफ मुड़ गया और लक्कड़ पुल की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी बाइक तेज रफ्तार होने के कारण फिसल कर गिर गई। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने उक्त युवक को काबू कर जब उससे पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान नवजोत सिंह निवासी पिंडी जिला तरनतारन के रूप में हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि नशा तस्कर नवजोत सिंह को बाइक सहित काबू कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा की अगुवाई में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एटीएम से रहस्यमय ढंग से की गई छेड़छाड़ के मामले को कुछ घंटों में सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि कैश लीडिंग मशीन के मालिक दीपक शर्मा ने शिकायत दी थी कि गत दिवस उसे एक ग्राहक की कॉल आई, जिसमें लगभग 4 बजे हिटाची एटीएम से नकदी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को इससे पहले भी ऐसी सूचना मिली थी, जिसके बाद एटीएम की फिजिकल जांच करने पर पुलिस पार्टी और बैंक की टीम को कैश डिपॉजिट से प्लास्टिक की शीट मिली। उन्होंने बताया कि बाहर खड़े अज्ञात व्यक्ति को भी उन्होंने संदेह के तौर पर देखा और इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में उक्त व्यक्ति एटीएम से छेड़छाड़ की कोशिश करता पाया गया, जिसके बाद उक्त अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान रवि पाल निवासी गांव हीरापुर जालंधर के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर वालों एक बड़ी कामयाबी जी हासिल की गई है। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने एक फॉरेस्टर जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार किया है। आ व्यक्ति जो है एटीएम
प्लास्टिक की जी टेप ला के जोड़ा विड्रोल है उन्होंने रोकता से और लोगों के धोखाधड़ी करता स। इस संबंध में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने 454 380 420 511 APC के तहत जोड़ा परचा है वह बेबीपाल नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज किया। अमृतसर के थाना बी डिवीजन की पुलिस ने गत दिनों सुल्तानविंड इलाके में छत पर पतंग उड़ा रहे दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान एक नौजवान की हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DCP लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पहले काबू कर लिया गया था और अब इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है जो कि लाइसेंसी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है और इसके खिलाफ पहले भी 3 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में इनका जो एक साथी अभी फरार है उसे भी जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जेडे एक्यूज सेगे 5 एक्यूज उना विचो 3 एक्यूज नू इन्होंने 6 तरीक नू फड़ लिया ते जेडे 6 तरीक नू फड़े सेगे 6-2 नू उना दा नाम है आदित्य बेदी, दूसरे दा नाम है शमशेर सिंह अलाय शेरा, तीसरे नाम है जुगराज सिंह अलायस लाल, तो एक जरा मेन एक्यूज सेगा उन्होंने इन्होंने कल फड़े जी, तो उहदे कोल एक रिवॉल्वर भी मिले है, तो बाकी एक एक्यूज जिहड़ा आदित्य बेदी का भरा हैगा परमिंदर बेदी वो हीज़ येट टू बी अरेस्टेड, तो जिहड़े बाकी भी इन्हां नाल अननोन हैगे एक्यूज वो तफ्तीश जारी है तो जल्दी हो जल्दी असी उन्होंने फड़ लांगे जी। अमृतसर के रामबाग इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक घर के सदस्य किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे और पीछे से घर में आग लग गई जिसकी सूचना इलाकावासियों ने उन्हें दी, जिसके बाद जब घर के मालिक घर पहुंचे तो घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। तो वहीं आस पड़ोस के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसने उन्हें भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि वे घर से बाजार सामान लेने गए थे, पीछे से घर में आग लग गई। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि तारों में स्पार्किंग हो रही थी जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि एक 5 महीने के कुत्ते का बच्चा भी घर के अंदर था जिसकी आग लगने के कारण मौत हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आग लगी है ये जी रामबाग लगी जो आग वाल्मीकि मंदिर के सामने। नुकसान तो जी इन्हां नूं पता ना उन्हां दे कहण मुताबिक ही होना वा पता नहीं भाजी। बस मैं ते बूए दे कोल खड़ी सी सब्जी लैके उतो चंगियाड़े निकले ने पहला इधरों निकलिया फिर सामने साइड तो निकलिया फिर अंकल जी मिस्त्री लगे हुए सामने गोदाम में कहते ताजे अंदरों ना मेन स्विच को अग निकली। मैं नहीं अंकल जी कबूतर बैठे फिर निकली 5-10 मिनट में वेख्या तो सामने कोठे तो आंटी ने आवाज दी ताजे कोठे धुआं है वा। जो मैं बूआ खोल के देखा सामने साढ़े भाजी गए से उन्होंने जाके देखा तो अग लगी हुई से उन्होंने रेता के तोले लैके गए दवा दवा मिस्त्री भी जड़े गए सारे दवा लैके गए। जो रेता पा लगे तो वह उन्होंने वालों अग उछल के आई उस नाले सारे थले आ गए। इन्नी देर में फायर ब्रिगेड वाले ने फोन किया गली महल वाले ने सारी गली बाहर आ गई। उस तो बाद घंटा पौना घंटा लग गया उन्होंने घर आंदे आंदे उन दिन भाई सारा कुछ तबाह हो गया सारा कुछ। भाई मेरे 2 पोर्शन है 3 पोर्शन मेरे को लगे से जो थले वाला पोर्शन है मेरे बाबा जी ने मैं दिता है मंदिर बनाया है 2 पोर्शन मेरे को लगे दोवें सड़ गए ने। फरीदकोट पुलिस की ओर से गत दिवस नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड के मालिक को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से पुलिस ने एक काले रंग की BMW कार और कुछ फर्जी ID व पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। नीरज अरोड़ा कुल 4 कंपनियां चला रहा था। उसने 2002 में नेचरवे नेटवर्किंग कंपनी से एक छोटे व्यवसायी के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। 2011 तक भारत के 12 राज्यों में नेचरवे कंपनी के तहत उत्पादों के लगभग 400 स्टोर थे। उसने 2012 में बुर्ज मुहार अबोहर में बिक्री के लिए पहली कॉलोनी
बनाई जिसमें करीब 250 प्लाट थे, जिसके बाद पंजाब के विभिन्न भागों में अन्य परियोजनाएं स्थापित की। नीरज अरोड़ा ने आम लोगों को धोखा देकर पंजाब के विभिन्न जिलों जैसे फाजिल्का, होशियारपुर, रोपड़, पठानकोट, फरीदकोट, मोहाली, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब आदि और पंजाब के बाहर मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए फरीदकोट रेंज के IG गुरुशरण सिंह संधू ने बताया कि फरीदकोट पुलिस की ओर से DSP इकबाल संधू की अगुवाई में भगोड़े आरोपियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड के मालिक नीरज अरोड़ा उर्फ नीरज ठठई को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा लोगों से हुए समझौते के मुताबिक उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए और ना ही उनके पैसे लौटाए गए। लोगों द्वारा दिए गए आवेदनों पर जांच के बाद आरोपी पर पंजाब के 21 जिलों में कुल 108 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले नीरज की साली को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस नीरज को काबू करने में सफल रही। नीरज की सूचना देने वाले को जिला फाजिल्का की पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए और जिला फरीदकोट तथा जिला श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस द्वारा 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में पंजाब पुलिस ने 2 मेजर स्कैमस्टर्स जो कि काफ़ी लंबे अरसे से PO चले आ रहे थे, उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है। 2 दिन पहले नीरज अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसके खिलाफ 108 केस रजिस्टर हुए थे और जो 92 केसेस में भगौड़ा चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर टाउन से की गई है और इसके पास से एक BMW, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके बोझ लोगों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे ऐंठता था और बाद में प्रॉपर्टी प्लॉट या जो फ्लैट प्रॉमिस करता था वो देता नहीं था। जालंधर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के कई इलाकों में हर समय ट्रैफिक बना रहता है। ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते ADCP ट्रैफिक ने नो पार्किंग गाड़ियों के चालान किए और जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था या फिर बोर्ड रखे हुए थे उन्हें चेतावनी दी कि अगली बार उन पर भी कार्रवाई होगी। तो वहीं इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए ADCP ट्रैफिक अमनदीप कौर ने बताया कि कई दिनों से पुलिस कमिश्नर जालंधर के साथ ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर बातचीत चल रही है ताकि शहर में ट्रैफिक की समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, जिसके चलते लगातार जो लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। वे उन्होंने कहा कि लोगों के साथ पहले भी मीटिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखा होता है, जिस वजह से बाजारों में ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। शहर के सारा नो टॉलरेंस जो ना ऑलरेडी तुम दसिया भी होया वा और पहलों भी प्रेस वाइट हुई वा और पता लगा सीगा भी ये इनक्रोचमेंट जिवें हुण तुसीं नाल कवर किया ही होया इनक्रोचमेंट जिवें स्टैंडी जिन्हें बोर्ड कहिंदे आ वो बाहर लाए हुए सी। तो मतलब मैं लास्ट टाइम भी जो एक बारी मैं आई सी इन्हां नाल गलबात कीती सी कि भी इवें दा कम ना करो, हुण नैक्सट टाइम ये मेरा लास्ट वारी होगा। इस तों बाद जिन्ने भी इनक्रोचमेंट कीती होगी जां स्टैंडी वगैरह रोड के बाहर जां रेहड़ियां होणगियां उन्होंने जी सा कार्रवाई जी होंगी है परचा दर्ज होगा। ऑलरेडी साढ़े वालों काफ़ी ज़्यादा जीडिया वा मतलब सारे शहर के मीटिंग हर एसोसीएशन जी ट्रैफिक के रिलेटिड आ मार्केट्स के नाल जो भी ट्रांसपोर्टर है उन्होंने मीटिंग चल रही वा। मैं मेरे जोन चार्ज पूरी 100% नाल लगे हुए हैं। मान जो CP साहब का हुक्म सीगा कि लोगों को किसी भी प्रकार की जी प्रॉब्लम ना आए, जो साढ़े नो टॉलरेंस जोन 17 है 4 साढ़े वन वे किए हुए उन्होंने हर तरह का जिमें पहलों इंप्लीमेंट हुए थे रूल रेगुलेशन दुकाना बाहर ना लगन और ना हो। फूड सप्लाई विभाग की ओर से अमृतसर की ढाब में स्वांक मंडी में रेड की गई। इस मौके पर फूड सप्लाई अधिकारियों की ओर से कई दुकानों के सैंपल भी भरे गए। तो वहीं जब विभाग के अधिकारियों की ओर से रेड की गई तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग गए, जिस कारण कई दुकानें बंद नजर आई। इस मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चैत्र नवरात्रों के चलते लोगों द्वारा व्रत रखे जाते हैं, जिसके चलते व्रत के सामान के सैंपल भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि उन्हें देखकर दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर
भाग गए, जबकि उन्हें उनका साथ देना चाहिए था। तो वहीं दुकानदार ने बताया कि फूड सप्लाई के अधिकारी उनकी दुकान पर आए थे और उनके द्वारा दुकान में चेकिंग की गई है। उन्होंने उन्हें आदेश जारी किए हैं कि वे अपनी दुकान पर साफ सफाई रखें, जिसकी वे पालना करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज इतने ढाब के विच स्नैक मंडी है, उत्थे असीं चेकिंग कर रहे हैं। तो असीं जिहड़ा हुण मारवाड़ी तुजिया भंडार है, इत्थे साडी टीम खड़ी हुई है। इस वल्लों वर्तों के चिप्स वगैरह बना के बेचे जा रहे थे, तो असीं उह वर्तों के चिप्स ते जिहड़े है सैंपल लै लए आ, जिन्हां नूं असीं फर्दर लैबोरेटरी के लिए जांच के लिए भेजांगे। देखो देखो अभी स्वांक मंडी के आए थे। स्वांक मंडी के जो मेन मेजर शॉप्स है जितों अमृतसर के वर्तों के आटा वगैरह सप्लाई किया जाता है, पर बड़ी मैंने दुख न कहना पै रहा है कि इन्होंने अपने बाजार सारा बंद कर लिया, जिस करके जोड़ा है सैंपली के बहुत दिक्कत आई है। हाँ जी, साढ़े को बेसन दलिया होंगे जी, ब्रांडेड बेची रहे अभी, साढ़े को अपना कोई मैनुफैक्चरिंग नहीं हैगी। अफसर फूड सप्लाई वाले कहते लाइसेंस वास्ते अपलाई करो जी, तो सफाई रखो। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम भाईचारे की तरफ से नमाज अदा कर एक महीने तक चले रोजों की समाप्ति की गई। अमृतसर की खेर दीन जामा मस्जिद लाखों मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने मस्जिद में पहुंचकर मौलवी को ईद की बधाई दी। इस दौरान लोगों का कहना है कि ईद उल फित्र के अवसर पर उनकी ओर से देश और संसार में अमन शांति बहाल करने की अरदास की गई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि देश तरक्की करे और हम सब मिलजुल कर अमन शांति से रहें। इस मौके पर अकाली दल के नेता अनिल जोशी और भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने भी सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुस्लिम भाईचारे की ओर से आए हुए सभी नेताओं को सम्मानित किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज ईद उल फितर का जरा खुशियां भरिया जरा त्यौहार है, ये 30 दिन के लोग रोजा रख के 17-18 घंटे भुखे रह गए, अल्लाह की इबादत करके 5 टाइम नमाज पढ़ के, उस तो बाद इशा की नमाज तो बाद 1 घंटे की नमाज पढ़ के, वो सारिया इबादत करके, तो अज ईद उल फितर का दिन देखते हैं। रात एक दिन पहला जरा चांद देखते हैं, भी चांद जरा सू अल्लाह तला ने जो दिखाता तो सवेरे सवेरे ईद होएगी। वो अज ईद का त्यौहार जोड़ा वा बड़ा खुशियां भरया मनाया जा रहा है, और इतने जी है काफ़ी जोड़े नेतागण भी आए, असं उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं, जी पब्लिक आई उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। साढ़े मौलाना जामा मस्जिद खैरुद्दीन के हाल बिहार के अपना हामिद हुसैन कासमी ने जी है नमाज पढ़ाई, असी उन्होंने नाल जोड़े है सारे मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, असी भी उन्होंने पढ़ी और दुआवा कीतिया गई हैं सारे इंडिया वास्ते, पंजाब वास्ते और जोड़े फलस्तीन वर्गे जोड़े मुल्क ने उन्होंने भी तशद्दुद हो रही है मजलूमों के उत्ते, बच्चों के उत्ते, बजुर्गों के उत्ते, औरतों के उत्ते, उन्होंने वास्ते भी दुआ की गई है। देश और दुनिया में ईद उल फित्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पंजाब में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल फित्र के त्यौहार को लेकर नमाज अदा की गई। तो वहीं जालंधर में पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ईद उल फित्र के त्यौहार को मनाने के लिए ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और साथ में नमाज पढ़ी व एक दूसरे के गले लगकर बधाई भी दी। वहीं कुछ देर बाद भाजपा के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू भी वहाँ पहुंचे और लोगों को ईद उल फित्र के त्यौहार की बधाई दी। वैसाखी पर्व के उपलक्ष में संगतें खालसा साचना दिवस के लिए पाकिस्तान के गुरुधामों के दर्शनों के लिए जा रही हैं, जिसके तहत SGPC की ओर से पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट और वीजे प्रदान किए गए। गौरतलब रहे कि 1525 श्रद्धालुओं ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन 929 श्रद्धालुओं को ही इस यात्रा के लिए वीज़ा मिला है, जबकि 596 श्रद्धालुओं के वीज़े काटे गए हैं। SGPC की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं का यह जत्था रवाना किया जाएगा, जो कि 10 दिनों तक पाकिस्तान के गुरुधामों के दर्शन कर अटारी सीमा के जरिए वापस भारत लौटेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम रजवंत कौर है, मैं सांगना कॉलोनी तो आई है, चबाड़ रोड तो। बहुत खुशी हो रही है जी, असीं पाकिस्तान जा रहे हैं, उत्थे दर्शन करांगे, जो TV 'ਚ ਵੇਖੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
अमृतसर के जर्नलिज्म विभाग के प्रयासों से सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज नई दिल्ली और पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से 3 दिवसीय मोजो मोबाइल जर्नलिज्म विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए माहिरों ने आज के समय में मोबाइल जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने की नई तकनीकों और अहम विचारों को साझा किया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर माहिर सिंह के सहयोग से करवाई गई इस वर्कशॉप में प्रिंसिपल डॉक्टर वीके त्यागी, संयुक्त डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर के एस पाट ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा साइकिलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रितेश तकसांडे, मोजो एजुकेटर और संचालक सभ्य सांची भारती और डॉक्टर माहिर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज प्रिंसिपल व डीन अकादमिक मामलों के डॉक्टर तमिंदर सिंह, जर्नलिज्म विभाग की मुखी डॉक्टर सानिया मरवाहा, प्रोफेसर जसप्रीत कौर ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया, जिसके बाद आए हुए मुख्य मेहमानों की ओर से अपने विचार प्रकट किए गए। तो वहीं इस वर्कशॉप के लिए कॉलेज प्रबंधकों को शुभकामनाएं भी दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इंचार्ज है एनवायरमेंट आउटरीच प्रोग्राम का, जिसके तहत असीं यह अज 3 रोजा वर्कशॉप खालसा कॉलेज लगा रहे हैं। मोजो वर्कशॉप मोबाइल जर्नलिज्म से यह एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट है, जिसे असीं यह यूथ नूं नाल जोड़ के एनवायरमेंट अवेयरनैस क्रिएट करनी चाहते हैं। किस तरह आपके मोबाइल फोनस नूं यूज करके छोटी छोटी मूवीज बना के एनवायरमेंट अवेयरनैस क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने यूट्यूब के होर सोशल मीडिया के चैनल्स से पा सकते हैं, ताकि वध तो वध लोगों नूं एनवायरमेंट दीआं जिहड़ीआं प्रॉब्लम्स है उन्हां बारे पता लगे, अगे तो उसके बारे कुछ सॉलिड एक्शन भी क्रिएट किए जाए। सो पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह मोटिव है, पंजाब गवर्नमेंट का मैंडेट है। एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम जरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम। हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन के सुयोग्य नेतृत्व में 98वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास तथा विभिन्न नूतन प्रोजेक्टों के शुभारंभ के साथ मनाया गया, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एनके सूद, डॉक्टर सुषमा चावला, अतुल मायर, अजय गोस्वामी, एसपी सहदेव, सुरजीत लाल, डॉक्टर पवन गुप्ता और डॉक्टर सुधीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने समस्त गणमान्य सदस्यों का ग्रीन प्लांटर द्वारा अभिनंदन किया, जिसके बाद प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में एचएमवी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एचएमवी की सुनहरी उपलब्धियों के साथ एचएमवी के संस्कारों व मूल्यों की महत्ता पर विशेष प्रकाश डाला। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस एन के सूद ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए महात्मा हंसराज जी के नारी शिक्षा के प्रति कार्यों को स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पंजाबी विभाग की कुलजीत कौर व अंग्रेजी विभाग की लवलीन कौर ने एचएमवी के प्रति अपने उद्गारों को भावपूर्ण कविताओं के द्वारा प्रकट किया। इस दौरान 25 वर्षों की सफल सेवाएं प्रदान करने वाले टीचिंग नॉन टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा कोरियोग्राफी, नुक्कड़ नाटक व सामूहिक नृत्य भी पेश किए गए। समागम के समापन पर अतुल मायर द्वारा प्रायोजित लड्डू द्वारा सभी का मुंह मीठा करवाया गया। इस मौके पर संयोजक डॉक्टर अंजना भाटिया, सह संयोजक डॉक्टर उर्वशी मिश्रा, मंच संचालक डॉक्टर अंजना भाटिया सहित कॉलेज के समूह स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जस्टिस एनके सूद इस कॉलेज की हंसराज महिला महाविद्यालय की प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन है। अज असी महात्मा हंसराज की 98 इस कॉलेज की स्थापना की 98वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। महात्मा हंसराज अज जो महात्मा हंसराज को असं याद करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है नारी शिक्षा के नारी उत्थान के लिए। जो उन्होंने ये शुरू किया उदों साडे समाज के नारियों कॉलेज जाने का कोई तरीका ही नहीं, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं सी। उन्होंने उन्होंने ख्याल सेगा कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होती उदों तक समाज शिक्षित नहीं हो सकता, इस करके उन्होंने नारी शिक्षा को बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो यह कॉलेज की स्थापना की। अज मेरा ख्याल है कि सब तो बड़ा ट्रिब्यूट महात्मा हंसराज को यही है कि यह कॉलेज अज एक अग्रणी कॉलेज बन के
एक सब तो यूनीक संस्था बन के उभर गया है कि इतों किनिया हज़ारों लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके उच्ची उच्चे स्थान पहुँच चुकी हैं। हंसराज महिला महाविद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं हंसराज महिला महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी मित्रों का, सभी स्नेह संबंधियों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये उनके स्नेह के सदके ही है कि आज ये इंस्टीट्यूशन 98वां स्थापना दिवस मना रही है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की सपोर्ट की वजह से हम महात्मा हंस राज जी के उस स्वप्न को एक रियल रूप में प्रेजेंट कर पाए हैं सोसाइटी के सामने, जिसकी कामना उन्होंने सालों पहले करी थी। ठीक उसी तरह से जैसे हम सब मानते हैं कि अगर समाज को सही दिशा देनी है तो नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज नारी को सशक्त करने के लिए जिन प्रयासों की ज़रूरत है, हंसराज महिला महाविद्यालय में वो सारे के सारे प्रयास किए जाते हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में मां के पावन नवरात्रों के अवसर पर हर शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से किया जा रहा है, जिसकी दूसरी भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन मंडली कुंज बिहारी संकीर्तन मंडली फगवाड़ा वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने माँ भगवती के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मास्टर हरिचंद, शिव सैगल, रमन शर्मा और सीमा गल्होत्रा ने कुंज बिहारी संकीर्तन मंडली को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर रमेश मेहता, भूषण कोहली, दमन मेहता, पवन मेहता, राजू शर्मा, अरुण वर्मा, सुनील अरोड़ा, मनीष शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं तेरे एहसान ना लाग देवी, मैं तेरे एहसान ना लाग देवी, मैं तेरे एहसान ना लाग देवी, मैं तेरे एहसान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, मेरी शान ना, तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, लाग देवी मैं, ओ लाग देवी मैं, लाग देवी मैं तेरे एहसान ना, 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 ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना, ओ तू ना मिलदी ते बणदी मेरी शान ना। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हर शाम नौ देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रात्रि 8 से 10:30 बजे तक श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत में करवाई गई भजन संध्या के दौरान गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद प्रवीण लक्की एंड पार्टी जालंधर वालों ने अपनी मधुर भेंटों को गाकर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि हर शाम नौ देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव में पंजाब भर से आई प्रसिद्ध भजन मंडलियां मां भगवती की महिमा का गुणगान करेंगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक चल रही भजन संध्या में 31,000 मां की पावन ज्योति भक्तों द्वारा प्रज्वलित की जाएंगी और दुर्गा स्तुति के पाठ रोजाना किए जाएंगे। इस मौके पर महेंद्र प्रताप, अनुराग अग्रवाल, विजय गुप्ता, नरगिस बत्रा, अनुराग बत्रा, हिमांशु बैम्बी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में Thank you.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज की ओर से जालंधर पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा से मुलाकात की गई। इस दौरान राजेश विज ने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शर्मा को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भी दिया। इस दौरान उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर से शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा संबंधी व ट्रैफिक की समस्या संबंधी विचार विमर्श किया ताकि शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस दौरान पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि शोभा यात्रा के मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे और ट्रैफिक समस्या ना हो इसके लिए रूट डाइवर्ट कर इसका हल किया जाएगा। इस मौके पर रमन शर्मा, मनमोहन सिंह, रामनिवास बांसल भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपम प्रभाकर से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। हवन यज्ञ के उपरांत सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने मां भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आंख के अंधों को भगवान दिख भी सकते हैं लेकिन मन के अंधों को भगवान कभी नहीं दिखते। सत्संग सुनने से जीव के मन में अच्छे संस्कार आते हैं अर्थात सच्चे मन से स्मरण करने पर परमात्मा जीव की सहायता के लिए अवश्य ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जीव को परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखते हुए भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, कर्म सत्कर्म करना और वाणी को मधुर रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, हैरी शंकर शर्मा, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, बाबा खन्ना, अजीत कुमार, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, मनीष कुमार, संजय, सोनू, नवदीप, उदय, अमन, सुखा, अमनदीप, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सौरभ अरोड़ा, सरोज बाला, सुरेंद्र सिंह बाबा, रिंकू सैनी, सुनील जकी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रवीण, राजू, वरुण, दिलीप, लवली, लकी, रोहित, विशाल, अश्विनी शर्मा, रवि भल्ला, जगदीश, पप्पू ठाकुर, बलदेव सिंह, अमरजीत सिंह, प्रिंस, अमनदीप शर्मा, कन्हैया, रजीत कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु मां नव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला तां रातियां दियां बहुत बहुत वधाइयां मां नव दुर्गा जी दे निमित्त 9 दिन लगातार हवन यज्ञ मां बगलामुखी धाम जी चल रहा। अज तीजे दिन तीसरे नवरात्रे मां चंद्र घंटा जी दे निमित्त हवन यज्ञ च आहुतियां डलियां। उस तो उपरांत मां बगलामुखी जी दे निमित्त मंत्रमाला जाप और हवन यज्ञ च आहुतियां पईयां। शक्ति दे असी सेवक हैं, शक्ति दे असी बच्चे हैं और शक्ति दी असी पूजा करते हैं और नवरात्रियां दे विच विशेष रूप च मां भगवती दे निमित्त जिहड़े भी हवन यज्ञ हो रहे लगातार सवेरे 6:30 तो 7:30 मां बगलामुखी धाम च उन्हां च सारे सेवादार समेत परिवार पहुँच के हवन यज्ञ च शामिल हो रहे हैं और महामई का आशीर्वाद लै रहे हैं। अज सोने ते सुहागा सी, एक तो गुरुवार सी महामई का दिन बगलामुखी जी का, उस तो अज तीसरी नव दुर्गा जिहड़ी देवी है चंद्र घंटा जी दे निमित्त भी हवन यज्ञ आहुतियां डलियां। नाना प्रकार के जड़िया बूटिया के नाल नाना प्रकार की सुगंधी द्रव्यों के नाल महामई नूं भोग लगे है और महामई के हवन यज्ञ के विच नाम लैके आहुतियां डालियां। मेरे वालों, मेरे समूह सेवादारों वालों, माँ बगलामुखी धाम वालों नवरात्रियों दी बहुत बहुत वधाइयां और महामई इदां ही चढ़दी कला रखे और अपना आशीर्वाद दे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 16 मई दिन वीरवार को माँ बगलामुखी जयंती आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालुओं च चाह है
और महामाई दे जिहड़ा निमित्त सेवा भाव है वह ठाठा मार रहा है। कोई भी माँ भगत आके उस दिन हवन यज्ञ च शामिल हो सकता है और माँ का आशीर्वाद भी ले सकता है। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहूतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश राम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर्व मंगल मंगल शिव सर्वाद साधके चरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा। सर्व मंगल मंगल शिव सर्वाद साधके चरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमः स्वाहा। मां बगलामुखी का ये जो पावन हवन यज्ञ है, इस पूर्ण विश्व के लिए आपसी भाईचारा और शांति को बढ़ावा देने के लिए मां भगवती के आगे अरदास करते हैं और साथ में हम अपने संगठन के द्वारा जो समाज में कुरीतियां जो दोष है उनको निवारण करने के लिए माँ भगवती से अपने लिए शक्ति मांगते हैं, बल मांगते हैं और इसी कारण आज देश विदेश में हमारे इस महायज्ञ का जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने आप पर गर्व करते हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जन संपर्क अभियान के तहत संपर्क अभियान टीम में शामिल श्री देवी तला मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विजय रमन शर्मा, गौरव शर्मा, मनमोहन सिंह, राम निवास बांसल की ओर से फगवाड़ा गेट में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें संपर्क अभियान की टीम चड्डा मोबाइल हाउस फगवाड़ा गेट के रिकी चड्डा, विकी चड्डा, शर्मा साइकिल फगवाड़ा गेट के हैप्पी शर्मा, राजू चीज कॉर्नर के राजू डाबर, इलेक्ट्रिकल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित सैगल, चेयरमैन मनोज कपिला, संजीव पुसरी, कुकू मिड्डा, रोबिन गुप्ता, गगन छापड़ा, जालंधर इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन के माधव कपूर, सुनील दकोहा, सौरभ अग्रवाल, राकेश कपूर, क्रीमिका आइसक्रीम के पुलकित भंडारी, राजकुमार से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर शोभा यात्रा के मार्ग में स्वागती मंच व विशाल भंडारा लगाने की अपील की। इस दौरान सभी दुकानदारों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि ये शोभा यात्रा के मार्ग में भव्य मंच व विशाल लंगर लगाकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। 16 अप्रैल देवी तला तो शोभा यात्रा आ रही है, उसका आप स्वागत करेंगे। जय श्री राम। श्री देवी तला मंदिर तो जी रामनवमी के उपलक्ष से शोभा यात्रा निकल रही है, असं वह बहुत बहुत स्वागत करा। सारी टीम का असी बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया, सानू सेवा का मौका दिता। सारी संगतान को यह बेनती है कि लंगर प्रसाद छक के जाना। जी शोभा यात्रा 16 तरीक को श्री देवला मंदिर तो निकल रही है, और उपलक्ष के असी हर साल जरा इतने भगतों लिए जनता लिए लंगर का प्रवजन करते हैं। इस बार भी आप आलू पूरी का लंगर लगा रहे हैं और पूरा बढ़ चढ़ के आप शोभा यात्रा च भाग लै रहे हैं। श्री रामनवमी के अवसर से जो शोभा यात्रा देवी तला मंदिर से निकल जा रही है, उसके मार्ग फगवाड़ा गेट के पिछले सालों की तरह इस साल भी विशाल लंगर लगाया जाएगा। साढ़े बाबू जी विजेश जी शीतल बीज जी की रहनमई के लंगर हर साल लगता, तो उदा ही बहुत वधिया रूप के लगेगा। 16 तरीक को श्री देवी तला मंदिर वालों निकाली जा रही भगवान राम जी के रामनवमी की शोभा यात्रा के पक्ष जलंधर इलैक्ट्रिकल ट्रेडर वैलफेयर एसोसीएशन फगवाड़ा गेट के सभी सदस्यों वालों बहुत वधिया एक लंगर का आयोजन किया जाएगा। मेरी पूरी देशवासियों और पूरे जलंधर वासियों
रामनवमी के शुभ अवसर से लख लख बधाई है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री शिव शरण मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ के पंडित भापूराम, रोमी खन्ना, दानिश खन्ना, सुखविंदर कौर, पूनम सानन, काजल खन्ना, निधि अग्रवाल, जसलीन कौर एवं मनीष शर्मा, श्री शिव मंदिर संतनगर के पंडित रोहित शर्मा, वर्षा शर्मा एवं कमलेश कुमारी, श्री हरि मंदिर प्रीतनगर लाडोवाली रोड के पंडित जितेंद्र शर्मा, पंडित रमेश शास्त्री, हरजिंदर सिंह, उदयभान, दिव्यांश एवं सिया, श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बारादरी के शीतल शर्मा एवं मीना कुमार डोरा, श्री गोगा जाहिर वीर सतनाम नगर दानिशबंदा के कमलेश बाबा, सुभाष चंद्र, पुष्पा रानी एवं मैक जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा व उनके साथियों से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हरि शिव शरण मंदिर सोसाइटी रजिस्टर मल्ला गोविंदगढ़ तो है जी, जी 16 तरीक देवी तला तो शोभा यात्रा निकल रही है, उसके विच साडे मंदिर वालों आपां हुम हुम आ के उसके नाल चलांगे जी। देवी तला मंदिर 16 तारीख को शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, सभी मोहल्ला वासी सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शोभा यात्रा में शामिल हों, माँ माई का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। 16 अप्रैल को नगर फेरी का कार्यक्रम है, आप सभी आए और भगवान श्री राम जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। जकारा शेरां वाली दा बहुत सच्चे दरबार, जकारा गुग्गा जहर वीर दा बहुत सच्चे दरबार की। प्यारे सतसंग जीओ, देवी तलाब मंदिरों शोभा यात्रा अष्टमी ते निकलेगी, जो संगत सब धूमधाम नाल सब आनगियां जानगियां नाल, ते सब जिहड़े भी सुनदा सारी संगत नाल जरूर चलनी है, जाना चाहिए, ते धूमधाम नाल सारे अपने इस तरह ही माता रानी दा नौमी दा जिहड़ा मनाना चाहिए दिन। जय माता दी, जय राम जी, जय राम जी। श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो कि 16 अप्रैल श्री सिद्धपीठ श्री देवी तला मंदिर को माता कुमारी की पवित्र पावन जोत की अगुवाई दे विच और संतान की अगुवाई दे विच होने जा रही, ये पवित्र यात्रा जिहड़ी संतान की अगुवाई दे विच माता कुमारी जोत की अगुवाई दे विच सच्ची यात्रा जारी है। मेरी सारे शहर वासियों को बेनती है कि इतने पहुँच के प्रभु श्री राम का माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करो और सारी संगत दे और सारी ही संगत को बेनती है कि नाल चल के शहर की परिक्रमा करिए ताकि अपने जन्मों के पापा नष्ट करिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तारा हेल्थ सिस्टम और तारा स्पा के मालिक सुनील हस्तीर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विच पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, वाइस चेयरमैन नरेश मित्तल, लोकसभा सांसद और लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल, सॉकर इंटरनेशनल के मालिक विनोद महाजन एवं पारिवारिक सदस्यों में पत्नी रोजी हस्तीर, अंकित हस्तीर, स्वाति हस्तीर, डॉक्टर सोनाली हस्तीर सहित धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुनील हस्तीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Oh,
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर मोगा पुलिस ने बम्बिया गैंग से संबंधित 6 आरोपियों को किया काबू। 3 पिस्तौल, 30 बोर, 1 देसी कट्टा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस और 2 कारे की बरामद। सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू। 1 किलो 15 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने रहस्यमयी ढंग से एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले मामले को कुछ घंटों में सुलझाया। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।